ड्रीमकीपर 24 का फाइनली मोस्ट अवेटेड जॉयस्टिक अपडेट आ चुका है, साथ में ब्रिजटाउन स्टेडियम आया जो कहना है डेवलपर्स का बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस देगा आपको गेम का। कुछ और चेंजेस में स्क्वाड से रिलेटेड चेंजेस आए जहां पे आप बैटिंग वेटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हो, टीम के रिलेटेड कुछ फॉर्मेट सेट कर सकते हो ऑर्डर का, साथ कुछ बग फिक्सेस किए हैं जो हर बार करते हैं जो हमको नहीं दिखेंगे बट कभी कभी फील करेंगे। टूर्नामेंट को अब आप रिज्यूम कर सकते हो, टूर्नामेंट के मैचेस को, तो ये एक बहुत अच्छा काम किया, जहां पे छोड़ा है वहीं से शुरू होगा। और हेल्प सेक्शन में कुछ अपडेट किया है, ये उन लोगों के लिए जो लोग एकदम नए हैं गेम में। बाकी मैं अभी ये खेला नहीं हूँ, जस्ट इंस्टॉल करके रखा है, पहला अभी प्ले बटन होने वाला है। मैं एक बात बोल दूं, मुझे नहीं लगता भाई जॉयस्टिक से के आने से कुछ बहुत मेजर चेंज होगा गेम प्ले में, बाकी देख लेते हैं। जो लोग कमियां निकालते हैं वो तो निकालेंगे ही, जिनको नहीं खेलना है वो तो ढूंढ ही लेंगे, बट लेट्स सी जॉयस्टिक के आने से कितना फर्क पड़ता है। तो इंडिया मैंने चुन लिया, मीडियम डिफिकल्टी चुनूंगा, मैं बहुत मैचेस हार रहा हूँ भाई इंडिया को लेके, तो मीडियम आई थिंक रख रहे हैं। बाकी टीम कौन सी होगी हमारे पोजिशन में, 1, 2 एंड यहाँ बटन दब, न्यूजीलैंड को ही आना था, ठीक है चलो न्यूजीलैंड ले लेते हैं। योर लाइनअप में ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ठीक है, इंडिया पे अवेलेबल प्लेयर्स हैं बट मुझे अभी नहीं याद आ रहा कि इनको चेंज, अच्छा इसको उठा के ऊपर रखना है क्या, नहीं तो मुझे अभी नहीं मालूम पड़ा कि इसको कैसे, ड्रैग व्रैग का ऑप्शन तो हो नहीं रहा, तो आई डोंट नो 11 स्पॉट कैसे डिसाइड हुई है, बट ठीक है प्ले करते हैं। स्टेडियम का ऑप्शन का इंतजार रहेगा, बट ये तो क्विक प्ले चालू हो गया। अच्छा हाँ यार, इसमें स्टेडियम कहाँ चुनने को आता है, वो तो रैंडमली आता है, या तो टूर्नामेंट्स खेलते हो तो कमेंट्री भी अपडेट हुई है, तो डोंट मिस इट आउट। द कॉइन विल नाउ डिटरमाइन द अर्ली एडवांटेज। एंड हाँ, हमारा मैच लगा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद, पीछे देख सकते हो आप, इंडियन T20 लीग अभी भी लिखा रहा है, टॉस हम लोग हार चुके हैं। And now the players take their positions. And Rohit Sharma का चेहरा देखा भाई, थोड़ा सा उसकी तरह लग रहा है, Ken Williamson जैसा। चलो let's check it out. और Darren Mitchell, हाँ लग तो रहे हैं भाई। ये ऐसा लग रहा है वो जो मेरे को ग्राफिक में कमी दिखती थी ना, वो शॉर्ट आउट कर दिया डेवलपर से, वो एजेस जो दिखते थे, अभी कैमरा एंगल पे पता लगेगा। And here comes finally the pro joystick, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे। अरे अरे भाई समझने तो दो भैया, क्या करना है। अच्छा हाँ सिखा ही रहा है ये, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ये कह रहा है। अच्छा अग्रेशन, वाह बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया चेंज, लॉफ्ट इट, अच्छा पर फ्रंट फुट, टाइमिंग परफेक्ट, ठीक है डॉट डॉट का ट्यूटोरियल है ये। ओए डायरेक्ट हिट, कैमरा एंगल मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ अरे प्रो के, प्रो कैम आ गया कि नहीं था पिछली बार, अरे 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 ठीक है, पावर तो मैं लगाऊंगा फुल। एंड स्टेप आउट का भी ऑप्शन है, वो ये कौन सा शॉट था, मैंने मारा कहाँ था यार, आधा तो लगता है एक्सपेरिमेंट में विकेट खो देंगे हम लोग। लेट्स चेक इट आउट, नहीं ये शॉट मैं तो मार रहा था स्क्वायर आई थिंक। नेक्स्ट मैच में यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ये तो पहले भी था, सूर्या को ही भेजो, एक ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हो इस गेम के, सूर्य कुमार यादव आते हुए। मैं लॉफ्ट इट कर रहा हूँ एंड थोड़े से स्टेप आउट करने की इच्छा है, अग्रेशन फुल रखा है। लेट्स सी इस गेम का, मैं टाइमिंग डायरेक्शन दोनों अच्छा, लेकिन स्टेप आउट ठीक है, स्टेप आउट मतलब भाई बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है मेरे साथ, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बट लेट्स चेक इट आउट, फ्रंट फुट ट्राई करते हैं। अब बैठा शॉट, अब एक बैठ गया ना तो और भी बैठेंगे, वेट कर लो। ये कैमरा एंगल मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है, ठीक है फाइनली यहाँ पर गेंद मिल रही है बैक फुट पे खेलने के लिए। टाइमिंग डायरेक्शन दोनों बढ़िया, रन कहाँ है, अरे यार रन थोड़ा सा अजीब जगह है इस गेम में, मुझे हर बार अजीब लगता है जब भी मैं लंबे समय के बाद खेलता हूँ तो कुछ सेकंड लगते हैं कि कहाँ गया रन का ऑप्शन। जनरली हमने राइट लेफ्ट देखा हुआ है, एक बार मेरी नज़र ऊपर जाती है बट नीचे नहीं जाती। दो रन, स्टेप आउट मारना है मेरे को, टैप व्हेन द बॉल रीचेस द टाइमिंग रेंज, ओके स्लो लेफ्ट टर्न ऑर्थोडॉक्स, नहीं भाई मुझे, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, जो मुझे ग्राफिक्स में कमी दिख रही थी एटलीस्ट क्लोज कैमरा एंगल में मुझे वो कमी नहीं दिख रही। और क्या वाइब्स आ रही हैं, लॉफ्ट इट, स्टेप आउट स्पिनर के सामने, चलो देख लेते हैं स्टंपिंग का कुछ एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, टाइमिंग में गड़बड़ है। और फाइन लेग से फिर भी एडवांस तो कर ही दिया है हमने एंड गेंद अपने आप रुक चुका है। ये बॉल फिजिक्स थोड़ा सा वियर्ड है, डाइव का जरूरत शायद पड़ सकता है, थ्रो कितना तेज है, नहीं पड़ेगा। तीन रन हो सकता है, कुछ चीजें मुझे जैसे कि आप देखो यहाँ पे नहीं हो तो शॉर्ट रेंज आ रहा है, एनिमेशन में बदलाव जो हुए हैं वो शॉर्ट रेंज बता रहा है कहाँ तक गेंद जाने वाला है। एक बार फिर टाइमिंग में गलती, अब जबरदस्ती मार रहा हूँ तो टाइमिंग में गड़बड़ हो रही है, थोड़े से कम हो रहा हूँ, ठीक है थोड़ा लेट मारते हैं सेम शॉट, मे बी 6 की रेंज तक पहुंच जाए। क्राउड क्यों डेड है, ठीक
ठीक है अभी सिक्स मारते हैं तब देखते हैं हिल डुल रहा है कि नहीं। कोई नहीं हिल डुल रहा, मतलब पूरा फोटो है भाई। ये रिस्की शॉट है, इंतजार किया, टाइमिंग अच्छा है एंड बहुत ही दमदार एडवांस चौका यहाँ पे विराट कोहली के बैट से। एनिमेशन देख सकते हो आप, बढ़िया लगा बढ़िया लगा। एंड ये किस्मत है कि आई थिंक न्यूजीलैंड की टीम ऑफिशियली, बट इंडियन फेसेस इतने अच्छे इस गेम में नहीं है। आप विराट कोहली का एग्जांपल देख सकते हो, क्लीन शेव कोई बंदा है और यहाँ पे एक और चौका। अब समझ में आ गया है, थोड़े से बैकफुट शॉट्स अलग अलग दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। ये इंटरेस्टिंग है बट बैकफुट वाली फीलिंग, कैच भी हो सकते हैं पहले बोल दूँ, डायरेक्शन में गड़बड़, बट मैंने तो डायरेक्शन कहीं और ही मारी थी, गया अपने तरीके से स्क्वायर लग गया। लास्ट टाइम भी मैंने स्क्वायर मारा था, ऑटोमेटिक थर्ड मैन मार लिया था इसने। एंड अब देखना है ये प्रो जॉयस्टिक में क्या इस गेम में फाइन लेग एंड थर्ड मैन के शॉट आए हैं। वो गेम बहुत गड़बड़ करता था थर्ड मैन फाइन लेग में, तो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। शॉट नहीं, पॉइंट पे ही मार रहा है नहीं आया है भाई, एटलीस्ट इस गेम पे तो नहीं आया है। चार रन, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, फील्डिंग बदलाव इंटरेस्टिंग होगा, बट नहीं कर रहे फील्डिंग बदलाव। कैमरा मैं लगा रहा हूँ प्रो वाला और स्टेप आउट। ये तो कीपर का कैमरा एंगल है, ठीक है। That's gone miles. What a shot. नहीं मैंने एक्सपेक्ट किया था, मुझे नहीं पता था कि बैट्समैन दिखाई देगा कैमरा एंगल में, वो थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस हुआ। बट सिक्स जबरदस्त पहली गेंद, ठीक है। मैं कौन हूँ, अरे यार चेहरा कितना क्लोज, ठीक है। मैं राइट हैंडेड था, बैट्समैन का नाम ही मैं नहीं समझ पाया, ठीक है। डीआरएस एनिमेशन, बट हाँ मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, आई थिंक वो बग गेम के ग्राफिक्स फिर से काफी अच्छे हो चुके हैं, थोड़ा सा डार्कनेस लग रहा है, थोड़ा सा बढ़ गया है। डीआरएस कम्स, मैं बता दूं अभी तक मैंने एक बार भी डीआरएस आउट होते हुए नहीं देखा इस गेम में। नहीं, ये तो गलत है भाई, क्या सोच के लिया, पहले ही इन्होंने नाम बोल दिया, अननेसेसरी का दिखाया नहीं है आगे। ये ऊपर रेड जोन क्यों हो रहा है, अग्रेशन दिखा रहा है, ठीक है। बैकफुट डॉट सेंटर में भी तो मारता होगा कुछ ना कुछ, कुछ तो मारता होगा। अरे यार लेकिन इस कैमरा एंगल में नहीं समझ में आ रहा, दिस इज एक्चुअली वेरी, अरे डायरेक्शन गलती, डाइविंग। एनिमेशन थोड़े अलग थे शायद कीपर के। एंड हाँ रिप्ले आप पीछे वाला तो नहीं देख सकते इस गेम में, इंतजार करके खेलने की कोशिश। और हाँ अगर थर्ड मैन फाइनल लग मारता है ना तो कैमरा एंगल काफी वियर्ड तरीके से रोटेट होता है, तो बहुत अजीब तरीके से कैमरा एंगल होता है, तो कई बार लगता है अपने सामने खेला है लेकिन एक्चुअली थर्ड मैन पॉइंट जा रहा होता है। लॉफ्टेड बैकफुट, तो पैरों में चिपकी है, पैरों में चिपकी है, अंदर आई है। भाई मैं एक बात कहूँ, अपील वाला जबरदस्त लग रहा है कीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक लेना चाहिए डीआरएस या नहीं, इट्स अ हाई प्रेशर सिचुएशन, तो हर बार लेने लगे। लास्ट टाइम हम लोग कंप्लेन करते थे कि भाई डीआरएस लेता क्यों नहीं, अब तो इन्होंने मजाक में ले रहा है भाई, ऐसे डीआरएस नहीं लेता कोई। क्या गड़बड़ है, बैकफुट पे मारने की कोशिश, लिखा आ जाता है कहां पे जाएगा शॉट, बैकफुट पे मारा मेरे ख्याल से इसने, स्विच ट्राई किया था। मैं कैमरा एंगल बदल रहा हूँ, चलो एक बार ये वाले कैमरा एंगल में कोशिश करते हैं खेलने की। फ्रंट फुट की गेंद है, रन इंडिया ने गड़बड़ कर दिया एक्सपेरिमेंट के चक्कर में, परफेक्ट टाइमिंग। ऊपर देखो कैसे चेंज हो रहा है, लॉन्ग ऑफ फिर एक डीप एक्स्ट्रा कवर आ गया, कनेक्शन अच्छा है, गैप में जाएगी गेंद, टाइमिंग इंच से कम हुआ है, आई थिंक लेट कहना भी थोड़ा सा गलत होगा इसको। स्ट्रेट लेकिन फ्रंट फुट शॉट, इंटरेस्टिंग होगा। एक रन, डबल्स का चांस, काफी बढ़िया लग रहा है जो जिस तरह से एनिमेशन निकल के आ रहे हैं शॉट्स के। अब ग्राउंड शॉट का जलवा दिखाता हूं मैं आपको, फील्डिंग थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग रखी है, मुझे देखना होगा कि अब सही में रिस्ट्रिक्शन इतने कम है गेम के। ये बहुत ही जल्दी रन के लिए कॉल दे दी, तो वापसी का कोई चांस नहीं, डैश शॉट डायरेक्ट हिट। अब देखना है कि एनिमेशंस कैसे आते हैं इस रन आउट के, टाइमिंग तो परफेक्ट था। ये वाला हिस्सा तो नहीं लेकिन जो थ्रो वाला था ना वो एक्चुअली ट्रेलर का हिस्सा था, बेहतर ग्राफिक्स। विराट आउट हो गए यार, आखिरी छह गेंदे बाकी हैं, कैमरा एंगल अभी के लिए मैं यही रख रहा हूँ, एंड लॉफ्टेड अप्रोच अपनाना ही पड़ेगा, पांच ओवर का गेम प्ले है तो। पूरा टिप मिड विकेट खाली है, फ्रंट फुट पे स्लोअर गेंद लगी मुझे, अरे अब ये मैं क्या रन दौड़ना, सिक्स जा रहा है, जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शॉट मिड विकेट कहाँ जाता है, दिखाओ एनिमेशन, खुद ही समझ जाओ भाई क्या गड़बड़ हो रही है।
प्रो जॉयस्टिक के आने से एक और चीज हुई है जो अलग हुई है, वो ये है कि अब गेम को एज अ वो जो फन वाला पार्ट था ना कि भाई मतलब हाँ जॉयस्टिक बंद कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जो फन वाला होता ना कि यार सोचना नहीं पड़ता, स्वाइप का इंतजार रहता था, वो थोड़ा सा हट गया है, बट जरूरी था ये भी, जॉयस्टिक भी जरूरी था 100% तो नहीं। ये देखो अब ये शॉट कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, एक चीज नोटिस करने लायक है, अगर सीसीएल भी देखोगे ना सीसीएल में भी प्रो जॉयस्टिक उतना इफेक्टिव नहीं रहा था। शॉट अच्छा, दो रन का कॉल, शायद तीन के लिए भी जा सकता हूँ, ले, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे देखने एनिमेशन क्या डायरेक्ट जा सकता है, नजदीक से तो मार दिया था बट बाउंड्री हाफ से कितना लगता है वो देखना है। दो गेंद बैक फुट पे, ये वाला शॉट लेने की इच्छा, डायरेक्शन गलत था, अंदर आ रही थी गेंद, एंड आखिरी गेंद पे मैं अपना डिफॉल्ट वाला कैमरा एंगल रख रहा हूँ, स्टेप आउट करके मारना है, एक बड़ा शॉट आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ मिल गया है शायद चार रन यहाँ पे, गेंद लेकिन रुक जाती है, काफी तगड़ी घास उगाई है डेवलपर्स ने, दो रन मतलब कि 52 का चेज दिया है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये कितना सही टोटल है पांच ओवर गेम प्ले में। हाँ मैं भूल ही गया था इसमें डायरेक्ट एंट्री पड़ जाती है, एग्जिट एनिमेशन नहीं है, कुलदीप यादव को नहीं भाई, बुमराह को लाओ, बुमराह को मत दो पहली गेंद, हाँ ये ठीक है, हर्षदीप सिंह लाए गए हैं, पहले डेवॉन कॉनवे आ रहे हैं सामना करने, कैमरा एंगल कहाँ चले गए, अच्छा ये जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है, पर कैमरा एंगल मेरे को नहीं याद आ रहा इतना ज्यादा, ठीक है कैमरा एंगल बॉलिंग में नहीं है, ओके टैप ऑन द ग्रीन, वो एक्शन जबरदस्त है, कैच वाइड ना देना, रन आउट तो था शायद, के लिए तैयार एक बार फिर वही ऑफ स्टंप पे गेंद रखते हुए थोड़ा सा, लेकिन वो स्विंग है ना अंदर रखा है, एक्शन तो जब कैच, ये क्या आवाज किसकी, रन आउट इस बार भी शायद। अब देखो मैंने ज्यादा कुछ पिच सेट नहीं की थी, ऑटोमेटिक ये होके आई थी, अब मुझे नहीं मालूम ये इनका वीक पॉइंट है क्या है, बट मार नहीं, अरे वीक पॉइंट कैसी की तैसी, दैट्स ह्यूज, ग्रेट शॉट, मैं कहने वाला था मुझे वीक पॉइंट मिल गया है एआई का, लेकिन ये तो छक्का लगा दिया, एंड एक बार स्लोवर ट्राई करते हैं, यहाँ पे सीम अप का ऑप्शन आ रहा है उसका, हाँ अगर आप मान लो टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना ऐसे, तो ऐसे दबाओगे तो ऑटोमेटिक सीम अप हो जाएगी उसकी, ठीक है रन अप के लिए तैयार, ऑफ स्टंप पे गेंद 26 में 45, एडवांस किया लेकिन नहीं, अब रन आउट नहीं, अंदर तो आ गया, अंदर तो आ गया, एक शॉट प्रॉपरली आया जो कि ओ वेल बी, हाइट है दिल्ली में लेके आया हूँ जसप्रीत बुमराह को, फील्डिंग में कुछ बदलाव नहीं कर रहा है, एक और बार चार फील्डर पहले से ही डीप है, तो मेरे सामने फील्डिंग सेटअप बहुत आसान था, हमने डिफॉल्ट में ही रखा है, लेकिन इनके लिए काफी मुश्किल है रन बनाना, और मैं और टफ कर दूंगा अगर कस्टम रखूंगा तो, एक रन एक डालते हैं तगड़ी बाउंसर, पूरी ताकत से पेस बना के भी, मैं नहीं चाहता कि वाइड वाइड रहे, तो थोड़ा सा मिडल और ऑफ के करीब रखता हुआ पेस, ओ शॉट कनेक्ट कर गया बैट पे, एंड फर्स्ट बाउंड्री, हाइट देखना है, हाइट का देते हैं कि नहीं ऑप्शन, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, जो लोग कहते थे ना एक बाउंसर डालो फिर एक स्लोअर यॉर्कर डाल दो, तो ठीक है पिछली गेंद सबसे फास्ट गेंद थी, सबसे ऊंची गेंद थी, ये सबसे यॉर्कर सबसे स्लो है, रन आउट, अरे यार अब घूम ही रहा है, गार्डन में ही घूम रहा है बैट्समैन, क्या ही करूं मैं, 9 गेंदों में 12, आई यार ठीक है, एक सजेशन छोड़ो डेवलपर्स के लिए है, अभी मुझे याद नहीं आ, चलो छोड़ो रहने देते हैं, दो रन यहाँ पर निकालता हुआ मैंने, चलो रहने देते हैं भाई क्या बात करूं, लगातार मीडियम पेस गेंदबाजी कर रहा हूँ, ज्यादा दिमाग लगा नहीं रहा क्योंकि कुछ चैलेंज इतना ज्यादा मिल नहीं रहा है, वो शॉट बड़ा ले नहीं रहा, हर शॉट में बीट हो रहे हैं, तो मतलब मीडियम डिफिकल्टी इतनी वर्थ इट नहीं लग रही मेरे को, जो लोग रेगुलर क्रिकेट गेमर्स हैं डोंट ट्राई इट, बेहतर है कि आप हार्ड के साथ जाओ, हाँ पहली बार मत जाना, पहली बार चेक कर लेना, बट एक बात क्लियर है अगर मैं रेगुलर खेलूंगा तो मीडियम में तो नहीं खेलूंगा, लगातार अच्छी गेंदें भी कर रहे हैं, बहुत आसान भी है अच्छी गेंदें करना, फील्डिंग में इस बार जगह ढूंढ लिया, एंड हाँ मैं इजी कह रहा हूँ बट इसके बावजूद भी 12 रन मारे ओवर से, तो इजी बोल के भी 12 खा रहा हूँ मैं ओवर का, कुलदीप बोल रहे हैं फाइनली मुझे गेंदबाजी दी इसने, तब से बॉल दे देता था लेकिन चेंज कर देता था, 18 में 33 का चेज है भाई, ये तो अभी भी लग रहा है चेजेबल है, इजी बोलते, अरे इजी बोलते रन जीत जाएगा ये तो, इतना तो भरोसा था कि गेंद अगर धीरे मारे हो तो जाएगी नहीं चार के पास, बहुत अच्छा है भाई, बहुत सही, मतलब थ्रो ब्रो में कैरेक्टर का मॉडल वॉडल दिखता है अच्छे से, हाइट ताकत से स्पिन कराते हुए यहाँ पे, और यहाँ ये इनकी गुगली है, फिर पॉइंट पे मार रहा है, ठीक है पहले तो स्ट्रेट शॉट एंड पॉइंट का शॉट मुझे याद आ रहा है गेम में कि काफी मुश्किल होता था कवर करना, आईडी चेंज कर दी, एंड अब इसका फायदा
ठीक है टॉप एक फ्लिपर ट्राई कर रहे हैं, काफी सेम कंडीशन टेढ़ी मेढ़ी पकड़ी है, पॉइंट पे मत मारना, कैच आउट। ठीक है घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ, आई थिंक इससे ज्यादा घूमता नहीं है फ्लिपर में, पॉइंट पे कोशिश लगातार कर रहे हैं, तो इस गेम में भी शायद ये दिक्कत है क्या कि एक शॉट से चिपक गए तो चिपक गए। डग आउट, हाँ डग आउट जिंदा, एक बंदा ऐसे बैठा है, अरे एक बंदा ऐसे बैठा है सीरियसली ऐसे करके, प्लीज डग आउट दिखाओ भाई, मुझे डग आउट देखना है एक बार, जस्ट वन टाइम, मारो मारो मारो, वो देखो देखो पीछे देखो। एक बंदा कंप्यूटर पे काम कर रहा है, एक बात मुझे अच्छी लगी, साथ हिल भी रहा है ऐसे ऐसे है, हल्का सा एनिमेशन है, अच्छी सीम, एडवांस फाइन लेग, और ये चौका मिल गया, देख लो भाई डग आउट अच्छे से, देख लिया देख लिया देख लिया मैंने देख लिया भाई, इस कैमरा एंगल में मुझे याद नहीं आ रहा यार, थोड़ा सा ब्लरी है एक्चुअली, बहुत ब्लरी है, आंखों पे प्रेशर आ जा रहा है। 12 में 24 सचिन चेयर को इतना लैग, भैया कहां से विकेट ले पाएगा बंदा, लैग मतलब गंदा लैग, 12 का रिक्वायर्ड है, मैं इजी इजी कह रहा था, बट ये तो भाई चेज करने की तरफ बढ़ रही है टीम, इस बार बेहतर है, एक्शन भी देख सकते हो बहुत सुपर है। एक या दो, दो का कॉल है, मैं होता दो लेता, अब गेम की परीक्षा होगी, हाँ दो ले रहे हैं, मतलब एफर्ट मार रहे हैं जीतने के, पिन अच्छा खासा 9.30 करंट रन रेट रिक्वायर्ड 12 के आसपास चल रहा है, तो एडवांस स्टंपिंग या धोनी होता तो कर लेता, ओए मैच के विकेट के पीछे से ही मैच बदल देता था। अब वाइट का चांस है थोड़ा, बट वो रिस्क लिया है मैंने स्लिप की तरफ, ऐसे तो बेचारे स्लिप वाले के पास गेंदे बहुत गई लेकिन एक भी कैच आउट नहीं हुआ है, डॉट गेंदे ये गड़बड़ कर रहा है, अब दो बड़े हिट मिल जाए ओवर में तो ओवर इनके नाम हो सकती है। ट्राई कर रहा हूँ कुछ वियर्ड गेंद, वो कहते हैं ना कई बार कुछ एकदम अलग ही ट्राई करो, मैं एकदम पीछे चला गया हूँ स्टंप के, रनअप एकदम रनअप तो नॉर्मल ही रहता है, ओ भाई ये गेम चेंजिंग होगा, पर यार ये तो, अरे ठीक है चलो बाउंसर डाल देते हैं, अब इसको मत कह देना कि ये भी वो हो जाएगी, अरे घूम क्यों नहीं रहा, ये भी हाइट का नॉ बॉल मत दे देना, अच्छा बीमर के कारण नॉ बॉल दिया यार, गजब भाई है, अरे डॉट फ्रीड बर्बाद भाई, 20-19 चाहिए, आखिरी ओवर करने आ रहा है जड्डू, ऑप्शन देख लो अगर मैं तो पंड्या है, ठीक है स्पिनर को ही कराते हैं, अब गेम बताएगा भाई कौन कितना पानी में, AI एक ही शॉट मार रहा है यार, अरे सारी गेम में ये वायरस फैल गया है क्या भाई, CCL में सेम शॉट, RC में सेम शॉट नहीं है बट उसमें तो सारे शॉट है, बट हाँ उसके अलावा हल्का हर गेम में, WCC में स्क्वायर लेग बीच में फैल गया था, वाइड बॉल प्रिटी मच ओपन है, 5 में 16 अगर लॉफ्टेड पे लॉफ्टेड मार दें, छक्के मारे इन्होंने शुरू में, बट ये पता नहीं पॉइंट से कितना प्यार हो गया इनको, कहीं ना कहीं घूम फिर के इसका बैटिंग गेम प्ले ही इंटरेस्टिंग रह जाएगा फिर तो, जिस तरह का गेम प्ले अभी निकल के आया है, शुरू की 3 ओवर तक फाइट था उसके बाद तो रन ही नहीं बना रहे हैं, मैंने दिए हैं फिर भी, मतलब जानबूझ के नहीं दिए थे बट फिर भी जो 9 बॉल मिली थी वाइट बॉल मिली थी, और यहाँ पर 18 कितना बोलूँ 800 का स्ट्राइक रेट है तो भी बंदों से रन नहीं बन रहे, रिक्वायर्ड है सॉरी, फाइनली एडवांस किया बंदे ने कुछ अलग शॉट, एंड दिस इज द, एक बॉल में 15 का टारगेट रह गया है, दिस इज द लास्ट बॉल ऑफ द ड्रीम क्रिकेट 24 न्यू अपडेट, जॉयस्टिक अपडेट की बात करूं तो भाई बैटिंग को अभी के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाया है, क्योंकि यार हर आपको याद रखना पड़ेगा जॉयस्टिक पे कौन सा शॉट कौन से लोकेशन पे लगता है, गेम को क्या बोलूं भाई, रिक्वायरमेंट था ऑडियंस का तो डेवलपर्स ने दिया है, पर जैसा मैंने बोला कि कुछ बहुत मेजर फील नहीं आ रहा है क्योंकि अब तो शॉट्स और लिमिटेड लग रहे हैं, देखते हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म खेलेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, बट गेम तो वर्थ इट है भाई, ग्राफिक्स मुझे अच्छे लगे, बहुत टाइम बाद मैं कह रहा हूँ ये वर्ड कि गेम के ग्राफिक्स मुझे सही लगे, यहाँ पर भी वो मुझे जो बॉडी पे वाइट वाइट दिखता था वो नहीं दिख रहा है, हो सकता है मेरी डिवाइस का इश्यू हो, बट अगर ऐसा होता तो शायद पुरानी अपडेट में नहीं दिखता, तो गेम अपडेट मुझे काफी सही लगा, फ्री है मेन बात तो यार, फ्री में है तो हर कोई ट्राई करना चाहेगा, ऐसे भी दूसरा ऑप्शन अभी तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन में कोई ना गेम तो चाहिए ही, तो हर तरीके से वर्थ इट है, जाओ भाई खेलो, क्विक प्ले है तो अपने तरीके से कुछ अलग अलग सिनारियो बना सकते हो, बाकी ठीक है देखो इसका गेम प्ले बनने लायक लगता है, लाइव स्ट्रीम करने लायक लगता है तो करेंगे, बाकी तो मिलते हैं स्ट्रीम में वीडियो में, टेक केयर बाय बाय एंड गुड डे, एंड कैसा लगा आपको, एंड अब आप क्या मांगते हो डेवलपर से वो बता देना।